if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down, ये है खेमकंद का रेलवे स्टेशन और ये कहते हैं कि बहुत पुराना है। तो ये देखते हैं कैसा है पुराना स्टेशन। ये किराया सूची, अब तो यहाँ पर एक दो टाइम ही शायद गाड़ी आती है। पहले कसूर जाती थी अमृतसर से कसूर, तो अब यहीं तक रह जाती है। एक दो बार ही इस स्टेशन को कोई सवारी मिलती है। तो खेमकंद ये तो लास्ट शहर है, गांव है भारत का। तो ये है रेलवे स्टेशन खेमकंद का। इधर कसूर को जाती है ये गाड़ी, लेकिन यहाँ तक रह जाती है। और इधर अमृतसर है, अमृतसर से आगे लाहौर, और लाहौर को भी अब नहीं जाती क्योंकि वहाँ अटारी तक ही रह जाती है गाड़ी। अटारी से खेमकंद तक ही हम आ सकते हैं। आइए पूछते हैं स्टेशन का हाल यहाँ से, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनसे बात करते हैं। गड्डी कदों को आँदी हुण अंबरसरों? अच्छा, तीन टाइम आँदी है? तीन टाइम होगी हाँ। ये आखिरी स्टेशन है भारत का, जो भारत पाकिस्तान सरहद पर बिल्कुल आखिरी स्टेशन खेमकंद का। और यहाँ से ये लाइन जाती है सीधी कसूर, कसूर क्योंकि अब गाड़ी जाने के कोई इम्कान नज़र नहीं आते और चांस नज़र नहीं आते कि कसूर को लाइन जाएगी और गाड़ी जाया करेगी। तो इसलिए लोगों ने यहाँ से किसी ने पत्थर भी नहीं डाला नया, लाइनों की मरम्मत भी नहीं। खेमकंद के आगे जो लाइनें हैं वो बस ऐसे ही पत्थर के बिना ही हैं। ये हो गई जी दो लाइनों से एक लाइन हो गई। अब देखते हैं कहाँ तक चलती है ये गाड़ी। पत्थर भी नहीं डाला इसमें, क्यों डालें अब? क्यों? क्योंकि कोई इम्कान नहीं, कोई आशा नहीं। और ये कांटा बदलने का जो जगह है, इससे यहाँ पर जब गाड़ी इधर आया करती थी। अभी तक चलती हैं, जंग लग गया है लाइनों में क्योंकि इधर कभी गाड़ी आई नहीं। और ये गाड़ी लाइन ख़त्म हो चली है, अब हम आपको आखिर तक लेके चलेंगे। अब आई ही हैं तो अच्छी तरह सब देखते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि रोज़ रोज़ खेमकंद, क्योंकि बहुत दूर है खेमकंद और बॉर्डर पे है। तो यहाँ तक आने के लिए बहुत सारी पहले तो हिम्मत जुटानी पड़ती है। खेमकंद की जे लाइन ये आखिर तक हम पहुंच चुके। अरे नहीं, आगे भी है यार।
बहुत दूर है, चल चलते हैं। ओ वाह दूर तक। कांटे हैं इस राह में, बहुत कांटे हैं इस राह में, आसान नहीं है भाई। देखिए इतना आसान नहीं है। लोगों को तो लगता होगा कि फोन पकड़ा और चल पड़े, लेकिन भाई ये क्योंकि अगर हम करना है कुछ तो अच्छी तरह, धान की फसल लग गई यहाँ पर अच्छी तरह से, और वो बॉर्डर की जो डिफेंस लाइन है वो भी दिखने लगी। ये आखिरी लाइन यहाँ पर आके लाइन तो ख़त्म हो गई, भारत की रेलवे लाइन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, तो इधर बस ये किकरे हैं और कुछ नहीं है, बस ये पटड़ी रह गई, जो पक्की पटड़ी रह गई वो इसके ऊपर से ही वो थी लोहे की पटड़ी, लोहे के जो गार्डर थे लाइन के। तो ये देखिए लीजिए, जो लोग अभी तक यही सपना लिए बैठे थे कि कब हम फ्री हों, कब हम पाकिस्तान भारत की सरहद पर जो सटे हुए गांव हैं उसके सरहद के साथ सटे हुए गांव हैं उन्हें देखें जाके कि कैसे होते हैं वो गांव, जे ऐसे होते हैं। हम पहुंच गए खेमकरन से आगे, जो डिफेंस लाइन है कसूर को जाती है जो रेलवे लाइन, वहां पहुंच गए और ये आपने देख लिया कि लाइन यहां पर आके बिल्कुल बंद हो गई। आगे तक पत्थर नहीं डाला लेकिन ये लाइन उसी तरह से मेंटेन रखी गई है। तो अब हम चलेंगे अब ट्यूबवेल की ओर, वहाँ ट्यूबवेल है चल रहा, तो पानी पिएंगे थोड़ा सा, और वहाँ बच्चे हैं उनसे बताएंगे तो पूछेंगे कि कैसे चलता है उनका जीवन, बॉर्डर के लोगों का जीवन कैसा होता है। ये चलते हैं की करन दे जे, हाँ हाँ ले छोट, नहीं नहीं तू सुटी जा, सुटी जा, चल चल कोई नहीं तू सुटी जाओ, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लो जी जामुन खाएंगे हम खेमकरन के ये बच्चे, क्या क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम साहिल। साहिल और आपका हैं? महावीर। महावीर और गुरशरण। मेरा नाम सुखमन। सुखमन छुट्टियां चल रही हैं स्कूल में? हाँ जी। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नौवीं सेवंथ। महावीर सेवंथ। चौथी से तेनू टेंशन है कहा दी केड़ा यकेया तू रहने, बच्चा बच्चा जानदा है केड़ा डकेया तू रहने, मैं तो भरा भी चुनी हाँ बस तेरा वे या तन से पत्ते छड़ दे, जान छड़ दे तू साथ जट्टा मेरा या तन से पत्ते छड़ दे। ठीक है बहुत बढ़िया। जरा तू मोरसा दे गाँव जा।